हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट दिवाली का स्नैक्स और बहुत ही फेमस है ये। हम बना रहे हैं नमकीन मठरी। इसको लोग नमकीन खुरमा भी कहते हैं, निमकी भी कहते हैं। और इसको मैं एक अलग तरीके से बनाऊंगी जिससे आपको ये लेयर्स में दिखेगा, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है। तो अगर आपको जानना है कि ये मैंने कैसे बनाया है तो मेरा वीडियो फॉलो करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है यहाँ पे 500 ग्राम मैदा, उसमें मैंने डाला है 1/3 कप तेल मोयन देने के लिए, थोड़ी खस्ता बने इसलिए, अदरवाइज बहुत कड़क हो जाएगी। और फिर 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ जीरा, हाथ में ऐसे रब कर लीजिए। और क्योंकि मैं मेथी की मठरी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी ली है, करीब 2 से 3 चम्मच। बहुत ही अच्छी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनती है। और मठरी बनाने का जो मैं तरीका बताऊंगी वो भी बहुत लेयर वाला है, तो आपको लेयर्स में दिखेगी, बहुत अच्छी दिखती है। अब मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और तेल को हम मिक्स कर लेंगे, इतना अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे हम ब्रेड क्रम्स होता है, तो आप हाथ की हेल्प से इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए कि तेल बहुत अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो इससे जो हमारी जब हम बनाएंगे मठरी तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। देखिए अब मैं इसमें पानी डाल के इसका टाइट डो लगा लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए आप और टाइट डो लगा लीजिए। डो रेडी है, अब इसको हम ढक के करीब 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तो रेडी है, इसको थोड़ा सा आप मसल के सॉफ्ट कर लीजिए। अब हम एक लोई तोड़ लेंगे इसमें से। और बाकी आटा आप ढक के रखिए। अब आप इसको रोल कर लीजिए ऐसा गोल, मतलब हाथ से मसल के एक गोल लोई बना लीजिए। थोड़ा सा तेल लेके आप स्प्रेड कर दीजिए तेल, और अब हम इसको बेलेंगे। तो हमें बहुत पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए या बहुत पतला भी नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए बेल के तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ और हाथ से ऐसे फैला दे रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर तेल लगाऊंगी, तो तेल स्प्रेड कर देंगे। अब इससे अब क्या होगा, जब हम इसको फोल्ड करके तलेंगे तो ये हमें लेयर्स में मिलेगा। तो जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप इस तरह से इसे फोल्ड कर लीजिए। देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। अब क्योंकि ये लंबा हो गया है हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। एक पार्ट ले लीजिए और अब इसको भी हम रोल करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको भी रोल कर लीजिए। ये देखिए अब हम एक कांटे की सहायता से फोर्क लेके इसको प्रिक कर देंगे, इस पे छेद कर देंगे, तो जब हम इसे तलेंगे तो ये फूलेगी नहीं। तो आप दोनों साइड से इसको प्रिक कर लीजिए। अब इसको हम कट कर लेंगे, तो कट आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। मैं इसको लंबा लंबा कट कर रही हूँ, ये देखिए, और इतना ही मोटा आप रखें इसको, ज़्यादा पतला ना करें। इसी तरह से हम सारा कट कर लेंगे, इसको प्लेट में निकाल लीजिए। और जो दूसरा पार्ट हमने कट करके रखा था उसको अब हम बेल के कट कर लेंगे। फोक से प्रिक कर दीजिए, पहले दोनों साइड से करेंगे और फिर हम इसे कट कर लेंगे। अब इसी तरीके से आप बचे हुए आटे से भी मठरी तैयार कर लीजिए। बीच में सूखा आटा और तेल लगाना ना भूलें, अगर आप वो भूल जाएंगे तो इसमें जो लेयर्स बनती है वो नहीं बनेगी। अब मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है, तेल हमें मीडियम हॉट चाहिए, तो गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं मठरी डाल दे रही हूँ। आप इकट्ठा भी डाल दीजिए, चिंता मत करिए, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी, अपने आप तलने के बाद अलग हो जाएंगी। और हमें इन्हें दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, और इसको लो से मीडियम फ्लेम पे ही तलें। अगर आप हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसको बीच में हिलाते हिलाते आप तल लीजिए। देखिए
जिस तरह से लेयर दिख रही है बिल्कुल ऐसे ही सारी हमारी मठरियाँ बनेंगी। और ये हमारी मठरी रेडी है, अब इसको हम निकाल लेते हैं पेपर टॉवल पे और इसी तरह हम बाकी भी मठरी तल लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है और जो ये मेथी डाली है इसमें मेथी का फ्लेवर तो बहुत ही अमेजिंग आता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही मजेदार बनती है ये। तो देखिए हमारी मठरी बनके रेडी है, सारी अच्छे से तला गई हैं, बहुत ही खस्ता बनी है, एक बार जरूर ट्राई करें। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रेड कर सकते हैं और भी स्वादिष्ट लगेगा, तो आप ये जरूर ट्राई करें। थैंक यू।